कीजिए। ये लीजिए। अब सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये क्या है? दादा उसको गिफ्ट है, खोल के तो देखिए। ऐसा भी कोई तोहफा होता है? सॉरी दादा हुजूर, ये गिफ्ट आपका नहीं था, ये तो मेहर आप ही का था, गलती से एक्सचेंज हो गया। तो तुम इस बॉक्सिंग ग्लव से मुझ पर अटैक करना चाहती थी? नहीं नहीं, आप इस बॉक्सिंग ग्लव से बुराई पर अटैक कर सकते हो और गुंडों को मार सकते हो। अब ये दीजिए दादा हुजूर, ये लीजिए। इससे चोट तो नहीं लगेगी? नहीं नहीं। दादा हुजूर, गलती से पिछली बार मुझसे दांत टूट गया था ना, इसलिए ये न्यू दांत। और अगर ये भी टूट जाए तो आपके लिए ये चिकले। कितनी फिक्र करती हैं आप हमारी। तुम्हारे जाने के बाद अपने दादा का कौन ख्याल रखेगा इतना? लक्ष्मी, अच्छे सब मेरे जैसे, तो आप सबको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अब्बू दोनों मिलकर फूफी को जल्दी से ठीक कर देंगे और वापस आ जाएंगे, है ना अब्बू? इतने सारे बैग्स किसके? क्या बताऊं अब्बू, फॉरेन जा रही हूँ कह के उसने अपने सारे कपड़े और सारा सामान पैक कर लिया, कहीं कुछ कम ना पड़ जाए। हो गई सारी तैयारियां? जी दादा हुजूर। सुनिए जी, ये हलवा मरियम को बहुत पसंद है तो मैंने पैक कर दिया है। वो अचार के बिना खाना नहीं खाती है ना, बहुत नखरे करती है, तो मैंने अचार भी रख दिया है। और हाँ, सादा दूध नहीं पीगी वो, मैंने उसके लिए चॉकलेट पाउडर भी रख दिया है। प्लीज उसको ना चॉकलेट शेक बना के पिला दिया कीजिएगा। और हाँ जी, और रात में कमरे की लाइट मत ऑफ कीजिएगा, उसे अंधेरे में डर लगता है। भाभी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना मरियम के साथ, मरियम को हम अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। भाई जान, अब हमें निकलना चाहिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। अरे आपने अपना पासपोर्ट और टिकट रख लिया? अब मरियम की टिकट और पासपोर्ट हमने रख लिया अपने पास, ये आप अपने पास रख लीजिए। भाईजान आप मरियम को बुला लीजिए ना, बहुत लेट हो रहे हैं हम। हमने मरियम को हर जगह ढूंढ लिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो। तो फिर कहीं वो लल्लू के घर तो नहीं चली गई? बेटा मरियम, ये क्या हुलिया बना रखा है? ये हुलिया नहीं है, ये फॉरेन का फैशन है, आपको तो कुछ नहीं पता। मरियम, फॉरेनर लग रहे हो आप। कहाँ है मरियम? सॉरी आंटी। ओंकार अंकल, लल्लू तो मुझसे मिलने ही नहीं आया और अच्छे लक्ष्मी भी नहीं आए मुझसे मिलने। अरे अच्छे और लक्ष्मी तो घर पर आए थे और लल्लू उन्हीं के साथ गया था, मुझे तो यही लगा कि वो तीनों आपसे मिलने आए हैं। अब्बू, मैं फ्रेंड से मिले बिना नहीं जाऊंगी। भाई जान, हम लेट हो जाएंगे, हमें निकलना चाहिए। अब्बू, पर मेरे फ्रेंड्स और मायरा आपके गुड बॉय से भी तो मिलना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं, रास्ते में सबको मिलते हुए चलेंगे, ठीक है? वरना लेट हो जाएंगे ना। जाफर भाई, सामान लेकर आइए ना। चलिए मरियम। चलिए
मुझे तो लगा था तुम लोग आ ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं आते, इतनी दूर जा रही है, गुड बाय बोलने तो आना ही होगा। देख मरियम, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। इससे तो दूर रहकर भी हमसे कांटेक्ट कर पाएगी, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मरियम। संगील अंकल। मरियम बेटा। गुलाब आंटी। पाकिस्तान जाके हमें भूल ना जाना। मरियम बेटा जल्दी जल्दी आना, नहीं तो ये मोहल्ला सुना सुना लगेगा। ये पूरे भोपाल को भाई बोलकर जाएंगी। खैर जिसको बोलना है बोल दे, फिर यहाँ आना तो है नहीं। मरियम अगर तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, पर मजाज मुझे मरियम का जाना मुश्किल लगता है। अरे हुजूर, कार के चारों टायरों की हवा निकली हुई है। अब देखता हूँ मरियम कैसे पाकिस्तान जाएगी। अच्छे भाई तो क्या किया आपने? भाई जान अब हम जाएंगे कैसे? अब गुफरान भाई एक टैक्सी लेकर आइए आप। जी बेहतर है। मुझे तो लगा था आप लोग आ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं आती? मेरी मरियम फॉरेन जो जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है इस हैट में। गुड बॉय। गुड गर्ल। मायरा। आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी एक गिफ्ट है। आप जहां भी जाएंगी अपनी फैमिली के साथ रहेंगी। हवेली के पेपर्स। अब अगर आपने मुंह खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी छोटी सी मुलाकात रही ना आपसे, जिंदगी भर याद रहेंगे आप। हम भी आपको नहीं भूलेंगे। मजाज खान जा रहे हैं आपके साथ में, आपके प्लान का क्या होगा? आप हमारी फिक्र छोड़िए और अपनी फिक्र कीजिए और इस हवेली की। जैसा आप कहें। अब चलना चाहिए भाईजान। चलिए। मरियम ये आपके लिए ताबीज है, ये आपकी हर मुसीबत में हर परेशानी में हिफाजत करेगा। दादा हुजूर, दादा हुजूर पाकिस्तान जाने के बाद मैं आपको बहुत मिस करूंगी। हम भी आपको बहुत याद करेंगे। परवरदिगार से हमारी दुआ है कि वो तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे, पूरी तरह से ठीक हो जाओ तुम। हम शुक्रगुजार हैं तुम्हारे कि तुमने मरियम की जान बचाकर न सिर्फ हम पर एहसान किया है बल्कि बहुत बड़े सवाब का काम किया है तुमने। जाते जाते हम एक मशवरा जरूर देंगे तुमको, खुदा के लिए अब ऐसा कोई काम मत करना कि खुदा भी तुम्हें माफ न करे।